हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो देखिए दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 3 और अभी हम छोटी बिटिया को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के, क्योंकि सुबह दोपहर के टाइम तो हो रही थी बारिश, बहुत अच्छी ठीक ठाक थी और तो जाने की व्यवस्था नहीं बन पाई, और अभी बस बारिश रुकी है तो अब जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, बस हम गुड़िया को लेके ही जा रहे हैं, क्योंकि उसके जो पहले नाक में प्रॉब्लम बताई थी, एक तो उसका डर लग रहा है हमको, और दूसरा अब डॉक्टर को दिखाई थी थोड़े यहीं पे जैसे आ जाते हैं भाई गांव में, बुलाया था तो वो बता देते हैं कि इसके फेफड़ों में भी थोड़ा इन्फेक्शन लग रहा है, और पीलिया उसको हो रहा है 14.1, मतलब कि हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अभी हम सोच रहे थे कि अगर जो बारिश ना रुकी तो सुबह को लेके चले जाएंगे, पर कल हो जाएगी फिर छोटी दिवाली, इसलिए आज ही हमें लेके जानी पड़ेगी, या फिर दिवाली भी क्या पता 1 दिन या 2 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ जाए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी शाम को ही लेके निकल जाते हैं। और कल है छोटी दिवाली, छोटी दिवाली का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। उदासी हो रही है बबली, बबली उदास हो रही है, उसको ठीक होने के लिए तो लेकर जाएंगे हम। ए बबली, ये तो बच्चों के साथ हो गया है, पीलिया तो एक बार जरूर होता है बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसा वो है, मतलब कि ऐसा होता है पीलिया तो 7 दिन के अंदर अंदर एक बार जरूर होता है, घटता बढ़ता है। तो इसकी इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, बस टेंशन थोड़ी सी जो है ना, यही सोच के है थोड़ी सी दिक्कत कि भाई पेट में, मतलब कि फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन ना हो, सबसे मेन बात तो ये है। ठीक है, अभी दवाई लेके लेटी है, बस थोड़ी दिक्कत आ रही है, अभी बाथरूम तो जा रही है पर पेट साफ नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, तो उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है, डर लगता है टंके वंके भी टूटने का, इन चीज़ों का तो उससे भी परेशान है बबली। हो जाएगा बाबू, अभी ये बोलती है मुझे 10 दिन 8 दिन हो गए खाट पर लेटे लेटे, ऐसे नहीं होता, अब तक कि मुझे ठीक हो जाना चाहिए था, अब ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत वही है थोड़ा, हाँ अच्छे से मतलब ये पेट साफ नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। कल को ले आऊँगा मैं डॉक्टर से बोल के, कल को ले आऊँगा छोटी दिवाली वाले दिन शाम तक, और फिर कोशिश होगी कि दिवाली मिलके बनाई छोटे बाबू के साथ में, जो इस दिवाली का तोहफा है ना इस साल का 2023 का, हमारा सबसे बेस्ट तोहफा जो हमें मिला है ना, उसके साथ ही हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, सब टेंशन ना लो। ठीक है, मिस्ट्री क्या बोल रही मिस्ट्री? क्या पहनो आज? नाओ ना ए बच्चे, मत ना आज, मुँह हाथ धो ले बस, कपड़े चेंज कर ले। ठीक है, ये तो रात को पहन के सोती है ना, तो तेरी तबीयत ऐसी लग रही है, बस हल्की फुल्की तबीयत हो रही है इसकी भी, ऐसा लग रहा है जैसे फीवर सा हो रहा हो, और डर लगता है इसके रात को ज़्यादा होता है। गिरी जी कहाँ है? डैन जी, अब चलते हैं हम अपनी गुड़िया को लेके, अब बारिश भी रुक गई है और गाड़ी भी आ गई है बस, तो अब लेके जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी लड्डू रानी को लेकर डॉक्टर के यहाँ, जैसा भी होगा हम सब को। चलो बेटा डॉक्टर के चलो, तू कहाँ जा? चल ना, चलो ले लेंगे वही, वही ले लो मेडिकल पे। नाराज होगी, देखिए जब क्या करेगी, जब तेरी पिटाई करवा देगी, वो भागी कमरे में अपनी मम्मी के।
मिष्टी, मैं बब्बू को हॉस्पिटल में छोड़ आया। परसों को छुट्टी मिलेगी बाबू। उसके पास में किसी को रुकने नहीं देते, रात को कहीं नहीं रुकने देते, कोई नहीं, बस डॉक्टर ही रहते हैं। चल दिक्कत ना, मन ने ठीक होने के लिए तो गई वहाँ, रोवे ना। नुना सोचा के लिए छोड़ आए बेटे, मैं तो बहुत कोशिश करी 2 घंटे। तो चलो मैं बब्बो के पास है ना के जल्दी, तो दिक्कत ना मन ना बाजेगी। आज शाम को देखो या कल को तो छुट्टी मिलेगी पक्का पक्का। कल को दिवाली है, कल को नहीं रहने लगा मैं वहां। ठीक है। रात मीठों का चल रहा बुखार बहुत बढ़िया। ये बेचारी ये परेशान थी रात बहुत ज्यादा है, अब तो है नहीं दवाई नहीं। बबली अब भी बुखार सा लग रहा मुझे तो। उसके बेटी खड़े हो जाओ, बहन जी बना रही है नाश्ता। देखो क्या बनाया, क्या बनाया से की पराठे। वो देखे कितना काम करती है, तू रो रही। भाभी जी हाँ जी, वो रख दो वही, इसका कुछ नहीं पता पापा कहता चाचा कहता। या अपनी मम्मी को चाची बता दे, मम्मी बता दे। चल बे ले ले चाची जी का ये दोनों में ना बेटी, चलेंगे दुकान पे। वो देख चाय बनी है तैयार होगी, गोभी की सब्जी है, मिक्की को दिया है ना नाश्ता पराठे। आ जाओ बाबू आप भी खा लो, एक ले ला बेटे फिर दवाई ले लिए। ए मेरे बच्चे चल कुछ फल खा लिया। क्या लेके आऊं नु बता, क्या खाएगी फल में। चल तुम ऐसा दुकान पर चलिए, वो लाइए सामान लाइए खरीद के दिवाली का। वो छोटी सी गुड्डो नहीं है ना यार, तो इसलिए बच्चे उदास हो रहे हैं। खेलने के लिए आए थे सुबह, ये बोले वो कहाँ है। मैं कहा बेटे वो तो नहीं आया, मैं क्या अकेले छोड़ी आई आप उसे, मुझे ही कह रहे कहाँ छोड़ी आई। सोच रहा हूँ आज शाम तक छुट्टी हो जाए तो फिर अपना दुकान अच्छे से बना लूंगा, नहीं तो मन नहीं लगने का बिल्कुल भी। बच्ची के बुखार हो रहा है, मेरी छोटी सी क्या मेरा बच्चा अब जाएगी बब्बू को देखने जाएगी, छोटी सी बब्बू को। नहीं क्यों नहीं लाइयो नहीं लाइयो हूँ। हाँ यहाँ तो आ जाएगी बेटे शाम तक, ठीक है तो अब ये खा ले मम्मी जी, मम्मी दे दीजिए आपको मखाने। ये खा ले कद्दू है बेटा। खाने नहीं ना, सो जा तू, दवाई लेके। भाई आपके बाल अच्छे वाले बाल कटिंग करवा दूं, वो कट नहीं क्यों बाल बड़े करने अब फैशन शो में जाना गई नहीं तो जाओ कुछ खा ले, नमकीन बिस्कुट ले ले कुछ, चॉकलेट लेगी चॉकलेट भी लेगी। पानी पियोगे मैं बुआ को बोल पा रहा हूँ, बोला कपड़े डाल रखे मशीन में, ठीक है बेटे कपड़े धो के। मैं ला रहा हूँ
इसी प्लेट में लिया, इसमें तो मैंने कर दिया। वो पराठा नहीं सेक रखे ना, बुआ ने कहा थी गरम गरम सेक दूंगी मिस्टी के लिए, मुझे तो गरम गरम ही दिए। ले बेटा चलो पराठा एक गोभी भी चल खा ले। तूने क्या खाया अपने? मैंने तो मखाने कद्दू। तेरी तो स्मेल लग रही है मशीन में, कपड़े धो रही, सुबह सुबह सारा काम निपटा दी है क्या? ओ किलस की बोप बोप है। क्या क्या होगा? काटी है कुछ है इशू है? चाय पीला बेटे, कपड़े धो दिए सारे। दीदी कहाँ गई? ये तो मोबाइल देख रही है। तू बेटी नाश्ता करते लेट गई है बाबू, दवाई ले ले चलो वा है? जो रात ला कर दी थी वो दवाई ले ले। मिष्टी ले लो, ये बब्बो का है हाथ का रख दे से, कल ये निकाल दिए थे आके पहनने की वो अपने है? निकाल दे, मम्मी नाने गई।